असलम डियर स्टूडेंट्स आई एम योर एस एस टी टीचर हेयर इज आवर सेकंड वीक वीडियो लेक्चर वन इन विच वी स्टडी जोग्राफी यूनिट फाइव वेदर एंड क्लाइमेट इन यूनिट फाइव वी विल स्टडी चैप्टर टू वाटर साइकिल पेज नंबर सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर स्टूडेंट्स आवर टूडे टॉपिक इज़ वाटर साइकिल बेटा वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं ये जो हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल है ये हमें कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर बताता है कि मूवमेंट uh, वाटर की जो मूवमेंट है वो कांस्टेंटली अबव बिलो और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे बता रहा होता है बेटा वाटर की जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है अर्थ के ऊपर और क्वाइट कांस्टेंट है ओवर द टाइम कुछ टाइम से वो कॉन्सटेंट ही है और हमारी जो वाटर की डिवीजन है वो इस तरह है मेजर रिजर्वायर्स में लाइक आइस फ्रेश वाटर स्लाइन वाटर और ओशनज़ और सीज के अंदर है जबकि हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर की अमाउंट है वो वेरिएबल है वेरिएबल मींस वो चेंज होती रहती है और वो चेंज वो किस पे डिपेंड होती है वो डिपेंड करती है क्लाइमेटिक एलिमेंट्स के ऊपर जैसे जैसे क्लाइमेटिक एलिमेंट्स चेंज होते जाते हैं वैसे ही वाटर की अमाउंट भी एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज होती रहती है इस सारे प्रोसेस को बेटा हम वाटर साइकिल कहते हैं और वाटर साइकिल जो है वो कॉन्सटेंट यानी कि एक कन्वर्जन होती रहती है और कॉन्स्टेंटली उसके अंदर कन्वर्जन और ट्रांसफेरेंस होती रहती है वाटर की वाटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट uh, होता रहता है और एक बॉडी से एक वाटर बॉडी यानी कि लाइक रिवर ओशन से दूसरी वाटर बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता रहता है वाटर मूव करता है बेटा एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर में यानी रिजर्वायर के लिए हम एग्जांपल लेंगे रिवर से ओशन में ओशन से एटमॉस्फेयर में और ये एक थ्रू द प्रोसेस यानी कि थ्रू द डिफरेंट स्टेप्स ये इसकी सारी मूवमेंट होती रहती है अब हम इनकी इनके जो है स्टेप्स पढ़ेंगे कि किस तरह वाटर साइकिल जो है वो स्टेप्स के साथ जो है कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट करता रहता है डियर स्टूडेंट्स लुक एट द पेज सेवेंटी फोर डायग्राम एलिमेंट्स ऑफ वाटर साइकिल मेरा पहला एलिमेंट है हमारा इवेपोरेशन अगर आप देख रहे हो तो वेपोरेशन क्या है स्टार्ट करता है वाटर साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है इवेपोरेशन से जिसमें वाटर जो है सरफेस के ऊपर वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट से वेपर फॉर्म के अंदर जैसे कि वाटर जो हमारा ओशन में लेक में जो होता है वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है हीट एनर्जी को जो जो कि सन के ऊपर से आ रही होती है और वो हमें टर्न कर देता है ट्रांसफॉर्म कर देता है वाटर बॉडी जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है उसे वेपर फॉर्म में और वो वाटर बॉडीज़ होती क्या है ओशन सी लेक रिवर और यही सारे मेन सोर्स होते हैं हमारे इवेपोरेशन को बेटा थ्रू इवेपोरेशन जो है वो वाटर मूव कर जाता है हमारा हाइड्रोस्फेयर यानी कि जो अर्थ है अर्थ से हमारा वाटर मूव करके चला जाता है एटमोसफेयर में एटमोसफेयर में और जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है वो रिड्यूस uh, कर रहा होता है टमपरेचर ऑफ़ द बॉडीज़ यानी कि जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट होता है वाटर बॉडीज़ यानी कि ओशन लेक इन सब का जो है ना टेम्परेचर वो रिड्यूस करता जाता है स्टूडेंट्स ये इवेपोरेशन जो है सिर्फ वाटर बॉडीज से यानी कि रिवर लेक से ही नहीं होती ये हमारी प्लांट्स के से भी हो रही होती है प्लांट्स भी अपना एक्सेसिव जो वाटर है वो जो है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन रिलीज़ कर रहे होते हैं और वो भी जो है लिक्विड से लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट होकर वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर पर जा रहा होता है और ये दोनों जो है इवेपोरेशन कर रहे होते हैं मिल के कंडेन्सेशन इज़ द सेकेंड स्टेप बेटा ये इस तरह प्रोसेस करता है के जो वाटर वाइपर्स हैं वो राइज करके एटमॉस्फेयर पे चले जाते हैं हाई एल्टीट्यूड के साथ वाटर वाइपर्स चेंज होते रहते हैं टिनी पार्टिकल्स ऑफ आइस में आइस यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स में और जितना जे, ये हाई एल्टीट्यूड पे जाते जाते हैं उतना ही टेम्परेचर लो हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं तो फॉर्म करते हैं क्लाउड और फोको स्काई के अंदर बेटा इस प्रोसेस के अंदर जो वाटर की स्टेट है वो चेंज होती है वेपर से लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाता है बिकॉज uh, जो है वाटर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं और वो बिगर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं जिसकी वजह से एयर जो है वो ज़्यादा वाटर को अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाती और इन रिजल्ट जो है वो प्रेसिपिटेशन जो है स्टार्ट हो जाती है इन रिजल्ट जब बेटा प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होती है तो मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड होगा उतना ही टेम्परेचर क्या होता जाएगा लो होता जाएगा और जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो ड्रॉपलेट लूज़ कर देते हैं उस अपने अंदर की जो हीट एनर्जी है उसको वो लूज़ करते जाते हैं जिसकी वजह से ड्रॉपलेट्स एज अ रेन जो है वो हमें रिज़ल्ट में मिलते हैं बेटा टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा लो हो जाता है यानी कि जीरो डिग्री तक चला जाता है तो वो डॉपलेट्स फॉल हो जाते हैं एज अ रिज़ल्ट वो हमें मिलते हैं स्नो मिलती है उसके रिज़ल्ट में वो इन द फॉर्म ऑफ ड्रिजल मिल सकते हैं स्लीट मिल सकते हैं और हील मिल सकते हैं और इसके इसके थ्रू जो है वो वाटर एंटर कर जाता है लिथोसफेयर में आफ्टर प्रेसिपिटेशन बेटा दैट वुड बी द थर्ड स्टेप जो था हमारा प्रेसिपिटेशन उसके बाद जो वाटर फॉल डाउन होता है वो जिस भी फॉर्म में हो स्लीट हील रेन ड्रिजल्ट uh, जिस भी फॉर्म में हो उसने बेटा लीक्स टू रन ऑफ की तरफ जाना होता है उसने रन ऑफ होना होता है जैसे जैसे वाटर रन ऑफ होता जाता है वो ग्राउंड के ऊपर जो है जो सॉयल होती है उसके साथ डिसप्लेस हो जाता है यानी कि मिक्सअप हो जाता है और उसके साथ मिलके रन ऑफ होता है बेटा रन ऑफ का जो प्रोसेस है उसमें वाटर जो है वो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जो सरफेस होती है उसके साथ मिक्सअप होके रन ऑफ होना शुरू हो जाता है uh, और जो बेटा स्नो होती है माउंटेंस पे वो भी मेल्ट होती है वाटर के अंदर कन्वर्ट होती है उसने भी बहना होता है उसने भी रन ऑफ होना है मिनरल्स होते हैं अलोंग विद द स्ट्रीम उन्होंने भी रन ऑफ होना होता है बेटा ये सब चीज़ें जब मिलती हैं मिल के रन ऑफ होके जब कंबाइन हो जाती हैं तो ये चैनल्स फॉर्म कर देते हैं और थ्रू दीज चैनल्स जो रिवर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वो टर्न हो जाते हैं लेक्स में सीज में ओशन्स में और फिर वो वाटर जो है एंटर कर जाता है हाइड्रोसफेयर के अंदर आफ्टर डैट बेटा इनफिल्ट्रेशन का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो सॉइल के ऊपर गिरते हैं आके और पेनीट्रेट कर जाते हैं जिससे उस जगह की जो है कम्पोजिशन भी इफ़ेक्ट होती है उसके बाद जो है सब सरफेस फ़्लो स्टार्ट हो जाता है सब सरफेस फ़्लो बेटा वो वो उस वाटर को कहते हैं हम जो अर्थ सर्फेस के नीचे फ्लो कर रहा होता है उसके नीचे उसकी मूवमेंट हो रही होती है बेटा अब ये वाटर अगेन कहाँ आ गया हमारा सब सरफेस यानी कि ओशन लेक्स और ग्राउंड वाटर में आ गया यह प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ क्योंकि वाटर साइकिल की मूवमेंट कभी स्टॉप नहीं करती स्टार्ट हुआ था कि ओशन लेक्स में जब सन की हीट पड़ी और उसने वेपोरेशन की वेपोरेशन से कंडेंसेशन हुई कंडेंसेशन से प्रेसिपिटेशन हुई प्रेसिपिटेशन से वो सारा वाटर रन ऑफ होके के नीचे आया इनफिल्ट्रेशन हुई और उसके बाद ये सब सरफेस आउटफ्लो में दोबारा ये वाटर आके स्टोर हो गया और साइकिल की बेटा मूवमेंट ऑलवेज रहती है वो कभी भी रुकती नहीं है और ये वाटर साइकिल का जो इफेक्ट है वो टेम्परेचर पे इस तरह आता है कि जो वाटर साइकिल इफ़ेक्ट कर रहा होता है तो इसके अंदर बहुत सारी एक्सचेंज हो रही होती है एनर्जी जब एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है किसी भी जगह पर तो वहाँ पे बेटा एनर्जी टेक ऊपर की तरफ चली जाती है और वो सराउंडिंग की सारी जगह को कूल cool सी एक एनवायरनमेंट दे जाती है ऑन द अदर हैंड जब हम कंडेंसीशन uh, की तरफ आते हैं तो वाटर जब कंडेंस होता है तो वो रिलीज़ करता है एनर्जी और वॉम आउट हो जाती है एनवायरनमेंट और उस जगह की जो इन्वायरमेंट है वो ह्यूमिड सी और हॉट सी हम जो है वो फील करते हैं उसके बाद बेटा जो वाटर साइकिल है इसके और भी बहुत ज़्यादा जो एसेंशियल फ़ायदे हैं कि ये हमारे इकोसिस्टम को प्लानट पे मेंटेन करता है ये हेल्प करता है हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करता है वाटर को और अगेन रीडिस्ट्रीब्यूट भी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ पे और इस प्रोसेस को जो है ये प्रोसेस जो है वो थ्रू आउट चलता रहता है और असेंशियल है बेटा ये ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए हमारे प्लानेट में जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं ये प्रोसेस इनके लिए जो है वो असेंशियल है फ़ायदेमंद है स्टूडेंट्स नाउ कमिंग टू वर्ड्स द एक्सरसाइज रिलीवेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फोर आई जस्ट गोइंग टू रीड इट फॉर यू डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ वाटर साइकिल इसका आंसर बेटा जो हमने सारे स्टेप्स वाटर साइकिल के पढ़े हैं एलिमेंट्स जो पढ़े हैं ये वही हैं द वाटर मूव्स फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अनदर नंबर वन इज वेपोरे वेपोरेशन में मैंने आपको बताया है वाटर कन्वर्ट्स फ्राम लिक्विड स्टेट टू वेपर फॉर्म सेकेंड स्टेप इज कंडेंसेशन कंडेंसेशन में वाटर चेंज करता है अपनी स्टेट को वेपर से लिक्विड की तरफ नंबर थ्री इज प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन में बेटा वाटर वाइपर्स टर्न इन टू आइस जैसे जैसे वाटर मेल्ट करता जाता है और उसका जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता है तो एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिलती है रिजल्ट में हमें रेंस नीट ये सब प्रेसिपिटेशन के थ्रू ही हमें मिलता है नंबर फोर इज़ इन्फिल्ट्रेशन बेटा इन्फिल्ट्रेशन में वाटर ड्रॉप्स इंटू द सॉयल एंड पेनीट्रेट वाटर सॉइल पर गिरते हैं और पेनीट्रेट कर जाते हैं और उससे उसकी कंपोजिशन को भी वो इफेक्ट करते हैं दैन फिफ्थ स्टेप इज सर्फेस रन ऑफ सर्फेस रन ऑफ में बेटा जै जैसे प्रेसिपिटेशन से जो रेन आती है उसमें रन ऑफ भी होना है तो वो ड्रेनेज बेसन की तरफ उसका फ्लो चला जाता है एंड स्टेप सिक्स इज सब सर्फेस फ़्लो बेटा सब सर्फेस फ़्लो में यह है कि जो वॉटर का फ्लो है वो अंडर द अर्थ सर्फेस जो है उसका जो फ्लो है उसको बताता है सब सर्फेस फ़्लो या बनीथ का मीनिंग होता है अंडर जो जितना ही सरफे अर्थ सर्फेस के नीचे वाटर के फ्लो है उसको हम सब सर्फेस फ्लो के अंदर जो है वो रीड करते हैं नाउ स्टूडेंट्स कमिंग टू योर होमवर्क डू रीडिंग पेज नंबर सेवेंटी थ्री एंड सेवेंटी फोर ऑल्सो राइट द क्वेश्चन नंबर फोर ऑन योर नोटबुक एंड लर्न इट वेरी केयरफुल थैंक यू सो मच